एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये ब्लॉग देखने से पहले अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मेरी खाला का बर्थडे है तो मैं जा रही हूँ मेरे खाला के घर केक कट करने। वहाँ से मैं जाऊँगी मुंबई घूमने, क्योंकि आज है ना, मतलब बहुत से लोग वहाँ घूम रहे होंगे तो मुझे वो देखना है और मतलब ब्लॉग, एक ब्लॉग भी बन जाएगा। इस हिसाब से मैं वहाँ जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताई थी पिछले ब्लॉग में कि मैंने शूज़ जो खरीदी तो वो आज शूज़ मैं पहन के जाने वाली हूँ। मतलब और जो खरीदी थी ना वो आज मतलब मैं पहन के जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घूमने जाऊँ तो वो चीज़ पहन के जाऊँ, तो मैं बताती आपको शूज़ मेरे पर कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा शूज़ और मैं ये पहन के जा रही हूँ घूमने। आकी पहन रहा है शूज और हम अब निकल रहे हैं बिल्डिंग से, फिर आगे मिलते हैं। तो हम लोग मासी की बिल्डिंग में पहुँच चुके हैं और हमने साथ में ले लिए हैं केक और फिर उसके बाद कट करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग खाना वाना खा के घूमने के लिए। बाप रे कितनी ज़्यादा मतलब भीड़ हो गई है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन बहुत लेट है। और ये देखिए आकिब तो जहाँ देखो वहाँ मोबाइल ही यूज़ करते रहेगा। आकिब सुनने आ रहा है। हम लोग दादर में उतर चुके हैं ट्रेन से, आप पहुँच जाएंगे चर्च गेट। चर्च गेट से फिर पैदल चल के आगे दादर। आकिब आकिब तो गाने में एकदम मशगूल हो गया है। हम लोग पहुंच चुके चर्च गेट और टाइम हो रहा है 11:45 PM, मतलब 12:15 बज रहा है। अब देखते हैं हम वहां पे जाके मतलब कितने बजे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात के मतलब मैं इसलिए जा रही हूँ कि वहां पे सेलिब्रिटी लोग आते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे एक्टिविटीज़ होते रहती है, इससे हम लोग वहाँ जा रहे हैं। दोनों नहीं, मतलब मेरे सब फैमिली भी है, मतलब मेरे खाना का बर्थडे तो हम सब लोग जा रहे हैं। लोग बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि 30 को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग उस हिसाब से नहीं जा रहे, हम लोग घूमने के हिसाब से जा रहे हैं कि वहाँ की मजा क्या होती है वो देखने के हिसाब से। फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं, यहाँ से 2-5 मिनट चले गए तो नरीमन पॉइंट आ जाएगा। हम लोग इसलिए इतने फास्ट जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेट जाके कुछ मतलब नहीं, क्योंकि घूमने फिरने में ही तो बहुत कुछ मज़ा आती है ना आपकी।
अभी घर पे चलो खाना। जैसा कि आपने देखा कि जैसे 12 बज गए तो पब्लिक लोग का रिएक्शन क्या था, मतलब फॉरेनर्स क्या है जवाब। हाँ, आखिर सोचा कि फोटो निकाले लेकिन उसमें शर्म आ रही थी लोगों के पास जाने वाले। अब पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, सोचे हम लोग गेटअप इंडिया जाते हैं तो वहाँ का भी पता है क्या हम लोगों को। जैसे यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक, में देख के एकदम हैरत में आ गई, बाप रे क्या पब्लिक है। इतना ज्यादा चलने के बाद भी नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा थक गई सर। तो फाइनली मैं गेट ऑफ इंडिया पहुंच चुकी हूँ और वहाँ पे चेकिंग भी हो गई थी, तो वहाँ से होके अंदर आ गई हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए आकिब मजे ले रहा है। ये ताज होटल है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब फैमिली आई है और दोस्त लोग भी। खाली हो गया, आप देख सकते हो रात में, मतलब 3 बज रहा है, 3:10 हो गया है और फिर भी माशाल्लाह यहाँ पे पब्लिक देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। ये वही जगह है जहाँ पे अटैक हो गया था और पब्लिक देख सकते हैं क्योंकि 31 सेलिब्रेट करने यहाँ पे सब आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देख बोट सब खड़ी हुई है। देखिए जो ये बस दिख रही है ना आपको, ये पूरे मुंबई की, मतलब मुंबई में घुमाती है। आखिर साढ़े 3 होने आ गया, फिर भी पब्लिक अभी तक वैसी ही है। गेट ऑफ इंडिया से तो भगा दिए तो इस तरफ आ गई। 6:03 हो रहा है और फजर की अजान हो रही है। हम लोग अभी घर पहुंचने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग ब्लॉग देख के तो समझ में आ ही गया होगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्डिंग में। और ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बहुत सारा इस ब्लॉग में प्यार देना। थैंक यू।